ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक चालू है हम लोग का। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर तीन क्वेश्चन सिखा देता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। देखो, पहला क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपको ये सब कल मैंने सेंड किया था, फर्स्ट टू थ्री फोर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको सिखा दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर टू, सोहेल पटेल इन्वेस्टमेंट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग इट्स होल्डिंग 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड। अभी देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, बरोगे ने? और इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 है, ये इसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, फेस वैल्यू 100 है, और ये इसका जो नेशनल डिफेंस बैंक के जो परसेंटेज है वो 6%, मतलब इंटरेस्ट हम लोग को 6% मिलने वाला है। अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने ओपनिंग बैलेंस बताया है 1198, फेस वैल्यू 70,000 और कॉस्ट कितनी है 60,000। अब देखो यहाँ पे कैसा करना है, सबसे पहले मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं क्या करके लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा चार्ट बना के ले लेता हूँ। ये देखो, दिस टाइप ऑफ, पहले मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर 1190 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 706% नेशनल डिफेंस बॉन्ड। क्यों 700? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो 70,000 है। फिर मैं कैलसी लेके 70,000 डिवाइड बाय 100 करूँगा, तो कितना आएगा, 700 आएगा। क्लियर? ओके, तो मेरा कितना हो गया, 700। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपना देखो, 700 हो गया। अभी देखो, आपका फेस वैल्यू कितना है, 100 है, इसलिए मैंने फेस वैल्यू 100 लिखा। और फिर यहाँ पे कॉस्ट 68,000 लिखा था, तो मैंने 68,000 डिवाइड बाय 100 किया, या फिर मैंने डायरेक्ट भी लिखा कॉस्ट 68,000। क्लियर? अभी ये समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है ये, ठीक है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी है वो अपन देखेंगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद 1498 को हम लोग ने परचेस किया। देखो, 1498 को हम लोग ने परचेस किया, कितने डिबेंचर्स परचेस किए, 100 यूनिट्स परचेस किए, तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा और 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डिफेंस बॉन्ड। ठीक है, और उसका फेस वैल्यू कितना है, 100, हर एक का फेस वैल्यू 100 ही रहेगा, और उसकी कॉस्ट प्राइस है 98, और यहाँ पे लिखा है एक्स इंटरेस्ट। आपके पास मैंने आपको सेंड किया है वो पेज, आप ध्यान से देखना, एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो कैसा देखने का, हम लोग का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एवरी ईयर 30 जून और 31 दिसंबर को मिलने वाला है, 30 जून और 31 दिसंबर, बराबर है दो। तो अभी क्या करने का, 31 दिसंबर के बाद के जितने मंथ्स है वो गिनने का, वो ये करने का, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हो गए। क्योंकि देखो, हम लोग को 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया है, 31 दिसंबर के बाद 3 मंथ्स कितने हो गए, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ्स। क्लियर? इसके बाद आगे क्या है आपका, 1798। पर इसके पहले देखो, उन्होंने क्या बोला है, तुम लोगों को इंटरेस्ट जो है वो कब मिलेगा, तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला है 30 जून और 31 दिसंबर, दो बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, 30 जून को और 31 दिसंबर को, बराबर है? तो अभी देखो, अभी ये अप्रैल के बाद कौन सा आता है, जून पहला आएगा ना, उसके बाद जुलाई आएगा, तो जून को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 जून को मुझे वहाँ पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है। ये देखो, 30 जून को मैंने इंटरेस्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। कैसे 6 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ का इंटरेस्ट मिला। फिर मेरा अगला टारगेट है 1 जुलाई 98। ठीक है, तो 1 जुलाई 98 को मैंने कितने डिबेंचर्स परचेस किए, 200। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1 जुलाई 98 और मैंने कितने डिबेंचर्स लिए हैं, 200, तो मैंने लिखा 200 6% यूनिट्स। ठीक है, इसका फेस वैल्यू कितना है, 100, और इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 99 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 30 जून को इंटरेस्ट मिला, उसके बाद 1 जुलाई, मतलब एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होता है ना, इसका मतलब इंटरेस्ट मिला तो अभी जुलाई को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 98, ये देखो 1 दिसंबर 98, यहाँ पे अपने कितने यूनिट्स परचेस किए, 50 यूनिट्स परचेस किए, 6% यूनिट्स, फेस वैल्यू कितना है, 100, कॉस्ट प्राइस कितना है, 101, और कौन सा इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है। क्लियर? और अभी देखो यहाँ पे मंथ्स आएंगे, यहाँ पे जून के बाद मंथ्स कितने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि एक दिसंबर को लिया तो 5 महीने हो गए, तो इसलिए 5 मंथ्स लिखे। और फिर 31 दिसंबर को, इसको बोलते हैं ईयर एंड, क्या बोलते हैं, ईयर एंड, बरोबर है? अब यहाँ पे सब जगह हम लोग ने परचेस किया, इसलिए पी, फिर पी और फिर पी, और ये ईयर एंड हो गया 6 मंथ्स, सॉरी, हाँ, मतलब अपने को इंटरेस्ट मिलेगा
सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग ने सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्किंग नोट, एक एक वर्किंग नोट मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कैसा होता है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर वन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कैसे मालूम है ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सब लिख के रखा, देखो इन द बुक्स ऑफ सोहेल पटेल, बोले इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, ठीक है। इसके बाद ड्यू डेट क्या है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 1998, ये मैंने लिखा। फिर मैंने डेट पर्टिकुलर ये सब लिख के ले लिया। अब सबसे पहले मेरा ये काम है, मतलब डेबिट साइड में जाना है, 1198 लिखना, और लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है। अमाउंट कितनी है, 70,000। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला और ये 1 जनवरी है, बराबर है। और अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो 68,000 है, क्लियर। ओके, अभी 1498 को हमने परचेस किया, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर वन आएगी। अब वर्किंग नोट नंबर वन आएगी तो हम लोग कैसा देखेंगे, पहला देखने का यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है। अगर एक्स इंटरेस्ट होगा तो कैसा करने का, मैंने कल सिखाया था आपको, सबसे पहले लिखना है आपको हम लोग ने परचेस किया और परचेस कौन से तारीख को किया, तो 1498 को परचेस किया, क्लियर। तो पहले लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितना हम लोग ने परचेस किया, तो 100 यूनिट्स, और कितने में परचेस किया, 98 में। इसका मतलब अपना अमाउंट कितना हो गया, 9800 में, क्लियर। अब इसके अंदर ऐड होगा एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट जो होता है वो फेस वैल्यू के मिलता है, मतलब 100 × 100 करना है आपको, बराबर है। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो मैंने 10,000 लिख दिया, 10,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6%, और कितने मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए। ये 3 मंथ्स मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताया, देखो इसीलिए पहले ही कैलकुलेशन करोगे तो आपको सब वर्किंग नोट में पहले ही सब डिसाइड करने का, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब देखो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, बराबर है। ओके, तो ये आपका आ गया 50 × 3 = 150, तो ये आपकी आ गई टोटल प्राइस कितना, 0599955 पर अपने को लिखना कौन सा है, कॉस्ट प्राइस। देखो कैसा लिखा है यहाँ पे, पहला मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, हम लोग ने क्या किया, परचेस वर्किंग नोट नंबर वन, कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना निकाला 150, और ये अमाउंट कितना है 9,800। तो ये इस तरह अपने को वर्किंग नोट नहीं करोगे तो आपको ये लिखने को नहीं होगा, तो वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहेगा आपका, ये वर्किंग नोट नंबर टू, बराबर है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी अपना 6 महीना हो गया ना, तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने का और देखने का, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 70,000 और बाद में मैंने परचेस किया 10,000, तो 70 + 10 कितना हो गया, 80,000। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा और 80,000 के ऊपर मुझे 6%, बराबर है, 6 मंथ्स के लिए निकालने, क्योंकि इंटरेस्ट 6 महीने का मिल रहा है मुझे। फिर ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, बराबर है, 6 × 2 = 12, करेक्ट है, 2 × 3 = 6, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 2,400 पूरा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपकी वर्किंग नोट नंबर टू, 3698 बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखना है आपको इंटरेस्ट, क्लियर, और यहाँ पे लिखना है 2,400, यहाँ पे डैश आ गया, हो गया। इसके बाद आपका क्या रहेगा, अब आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे जाने के बाद अपने को नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, वर्किंग नोट नंबर, ओके, यहाँ पे आपका कोई कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देखो ये नेक्स्ट 1 जुलाई को हमने परचेस किया, तो अपने को वर्किंग नोट नंबर कौन सी करनी है, 3 करनी है, वर्किंग नोट नंबर 3 हमने क्या किया है, परचेस किया है, बराबर है, कौन से तारीख को, तो 1 जुलाई 1998 को, कितना यूनिट्स परचेस किया है, 200 यूनिट्स परचेस किया एक्स इंटरेस्ट को। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो पहला क्या लिखने का, कॉस्ट प्राइस, बराबर है, और कितना अमाउंट लिखना है आप लोगों को, तो आपको लिखना है 200 × 99, क्योंकि 99 में परचेस किया, बराबर है। तो ये कितना हो गया, 2 जीरो 19,800,
फिर यहाँ पे ऐड करने का इंटरेस्ट, पर अभी यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा ही नहीं क्योंकि 1 जुलाई है, 30 जुलाई को अपने को इंटरेस्ट मिला, फिर 1 जुलाई को फिर से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट डैश। तो आपकी टोटल प्राइस कितनी आ गई, सेम 19,800। क्लियर, ये वर्किंग नोट नंबर थर्ड खत्म हो गई। फिर यहाँ पे आने का, यहाँ पे 1 जुलाई 98 क्या लिखा है, टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 3। फिर यहाँ पे लिखना है आपको परचेस 20,000, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है और आपकी कॉस्ट प्राइस है 19,800। क्लियर, अब लास्ट वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 4। फिर से एक बार हम लोग ने परचेस किया है, ठीक है, कौन से तारीख को परचेस किया है हम लोग ने, तो हम लोग ने परचेस किया है 1 दिसंबर 98 को परचेस किया। कितना यूनिट्स परचेस किया, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, देखो 50 यूनिट्स परचेस किया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अभी देखो ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है तो पहला टोटल प्राइस लिखने का, बराबर है, और कितना 50 × 101 में परचेस किया हम लोग ने, तो कितना आएगा देखो, 0.5050 में हम लोग ने परचेस किया। फिर इसमें से लेस होगा इंटरेस्ट, बराबर है, कम इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट लेस होता है। अभी देखो कभी भी फेस वैल्यू 50 × 100 करने का मतलब 5000, 5000 के ऊपर 6%, और मंथ्स देखो यहाँ पे अपन ने पहले ही निकाल के रखे हैं, 5 मंथ्स दिख रहा है, तो ये × 5/12, ये कैसे निकाला है, लास्ट जब इंटरेस्ट मिला उसके बाद का मंथ्स गिनने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ्स का, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, ये 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, 12, बराबर है, ओके। वन ट्वेंटी फाइव इंटरेस्ट आ गया, फिर ये माइनस करने का, 10 में से 5 गया 5, ओके, 4 में से 2 गया 2, ओके, 4825 आता है, ठीक है, सॉरी 9 आ गया, 4925, ठीक है। तो ये आपकी होगी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हम लोग ने 1 12 93, यहाँ पे अपन क्या लिखने का, परचेस, बराबर है, वर्किंग नोट नंबर कौन सी है, तो ये वर्किंग नोट नंबर है अपनी 4, बराबर है, कितना का परचेस किया, 5000, इंटरेस्ट कितना है, 125, और ये 4925। क्लियर, अभी अब ईयर ख़त्म हो गया, तो साल ख़त्म हो गया, साल ख़त्म हो गया तो वापस इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, फिर इसका टोटल करने का 70 + 10 = 80, 1 लाख, 1,05,000। फिर यहाँ पे ही मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 5, क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये सारा जो ये जो टॉपिक है ये सब वर्किंग नोट के ऊपर डिपेंड है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,05,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6%, कितने मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। फिर ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 12, बेकी बेबी, तो 3150 आ गया। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बंदी ने गलत लिखा था पर अभी अपन ने ठीक कर रहे हैं इसको, ठीक है, 3150, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। फिर क्या करने का रहता है, ये हो गया, ये लिख दिया, फिर ये दोनों का टोटल करने का, तो वो कितना आ गया, 5555050 आ गया। सेम अमाउंट यहाँ पे लिखने का, इसमें से ये दो अमाउंट माइनस करने का, तो तुम्हारा कितना अमाउंट आ रहा है, 5275। मैं ये यहाँ पे बराबर नहीं लिखा तो मैं ठीक से लिख के देता हूँ आप लोगों को, 5275, ये आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलो या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, ये लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बराबर है, बैलेंसिंग फिगर, ओके, 5275। फिर इसका टोटल करने का 1,05,000, इसका टोटल करने का, ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखने का बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो इस तरह ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सेंड करता हूँ, और ये आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो भी सेंड कर देता हूँ, और आपका ये वीडियो भी, तो आप लोग समझ के ले लो।
ठीक है, और जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, ये ध्यान में रखना। ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मिस अव्य जैन का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आज मैं आपको पहले समझा देता हूँ और फिर इस हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे देखो, मिस अव्य जैन मेड अ फॉलोइंग परचेसेस ऑफ 10% डिबेंचर्स, मतलब ये डिबेंचर्स कितना परसेंट है, 10% डिबेंचर्स है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ऑफ 100 रुपीज, ये फेस वैल्यू रहती है। फॉर द ईयर कितना है, यहाँ पे गलती से ये लिखा है 2013, ठीक है। डिटेल्स आर एज फॉलो, देखो, 1 अप्रैल 2013 100 डिबेंचर्स वेयर परचेज एक्स इंटरेस्ट 102, ये ध्यान में रखना, ये फिर अपन को लिखना भी है। फिर 1 जुलाई 2013 को 200 डिबेंचर्स परचेस किए हैं परचेस एक्स इंटरेस्ट, देखो ये दोनों भी एक्स इंटरेस्ट ही है, क्लियर। ओके, उसके बाद 1 अक्टूबर 2013 को वापस डिबेंचर परचेस किए एक्स इंटरेस्ट, तीनों भी एक्स इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 30 सितंबर और 31 मार्च को। इसका मतलब 1 अप्रैल ये क्या है आपका ओपनिंग बाय, मतलब ओपनिंग ईयर है, बोलेगे ना, फर्स्ट डे आपका 1 अप्रैल रहेगा। उसके बाद सॉरी, मिस जैन क्लोजेस बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज करती है बुक्स, इसका मतलब आपका जो ओपनिंग डेट है वो 1 जनवरी है, ठीक है। आपका डेट कौन सा है, 1 जनवरी, पर 1 जनवरी को हम लोगों ने कुछ भी परचेस नहीं किया है, ठीक है। अब देखो कैसा करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ अव्य जैन लिखा है, उसके बाद मेरा कितना परसेंट डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स है, तो मैंने वो लिख दिया 10% डिबेंचर्स, ठीक है। फिर मेरा इंटरेस्ट का जो रेट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च है, क्लियर, और ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर 2000 आपका 13 आ जाएगा 2013, क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट बनाई है, आप देखो, अब यहाँ पे देखो 1/1/2013 को, ओके, ये आपका क्या रहेगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, पर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद वाला जो डेट है वो कौन सा है, 1 अप्रैल 2013 को मैंने परचेस किया, कितना डिबेंचर्स परचेस किया, 100 डिबेंचर्स परचेस किया, और रेट कितना था, 10% डिबेंचर्स, और फेस वैल्यू 100 है, और कॉस्ट प्राइस है 102, कॉस्ट प्राइस कितनी है 102, ठीक है, और इंटरेस्ट कौन सा है, एक्स इंटरेस्ट है, क्लियर। ओके, तो ये अपना पहले डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 31 मार्च को मुझे इंटरेस्ट मिला है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं इंटरेस्ट नहीं लिखूँगा 31 मार्च, इसके बाद 1 अप्रैल आता है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई मंथ्स नहीं आएंगे। उसके बाद मैंने परचेस किया है 1 जुलाई 2013 को, देखो यहाँ पे मैंने परचेस किया, क्लियर। अब क्या हो रहा है, देखो 200 10% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 99, एक्स इंटरेस्ट, बराबर है। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि मुझे मार्च से मंथ्स गिनने हैं, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, इसीलिए मुझे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद डेट आती है 30 सितंबर, जहाँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट दो बार मिल रहा है, सितंबर और मार्च को, तो यहाँ पे मुझे 30 सितंबर आ रहा है, तो इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, बराबर है। उसके बाद मेरा तारीख कौन सा है, 1/10/2013, जब मैंने 350 10% डिबेंचर्स लिए, जिसकी फेस वैल्यू है 100 और कॉस्ट प्राइस 98 और एक्स इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि 30 सितंबर को अपने को और इंटरेस्ट मिला है, फिर उसके बाद तुरंत एक दिन में अपन ने परचेस किया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2013 को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का, कैसे, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे मुझे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने मेरा क्लेरिफाई कर दिया सब, अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सारी वर्किंग नोट आपको बना के दे रहा हूँ मैं पूरी की पूरी, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कैसा कैसा होता है। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जाके लिखना है, देखो जो यहाँ पे 1 जनवरी 2013 को टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे
कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद आपका 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को हम लोग यहाँ पे ऐसा वर्किंग नोट नंबर 1 ओके पर हम लोग ने परचेज़ किया है, परचेज़ ठीक है, तारीख है 1 अप्रैल 2013, फिर एक्स इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट प्राइस, कितने की कॉस्ट प्राइस है मेरी, मैंने परचेज़ किए 100 में और मेरी प्राइस है 102, बराबर है 102 क्लियर, 100 × 102 तो मुझे कैलसी में देखना है कि कितना हो रहा है, 100 × 102 तो कितना हो गया 10,200 ठीक है। फिर मैं एक्स इंटरेस्ट होता है तो ऐड करने का रहता है, ऐड एक्स इंटरेस्ट, पर यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा ओके, क्योंकि मुझे 31 मार्च को इंटरेस्ट मिल चुका है, पर मेरे पास कुछ भी कमोडिटी नहीं थी या मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसीलिए मैंने मुझे वो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिला ओके। अगर मेरे पास होता तो मैं मुझे मिल जाता, कंपनी मुझे दे देती। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आपका परचेस आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, 10,000 अमाउंट आएगी ठीक है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं और कॉस्ट प्राइस 10,200 क्लियर। उसके बाद आपका फिर 1 जुलाई को फिर से एक बार आपका परचेस है ठीक है, तो यहाँ पे आपके वर्किंग नोट नंबर 2 आएगी, वर्किंग नोट नंबर 2 ठीक है, फिर से आपने परचेस किया, कितना परचेस किया है तो 200 क्वांटिटी 1 जुलाई 2013 को, बराबर है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कितना है कॉस्ट प्राइस आपका 200 × 99 ठीक है, तो 200 × 99 तो आपने कितना परचेस किया 19,800 परचेस किया, बराबर ना 19,800। फिर इसके अंदर ऐड होगा एक्स इंटरेस्ट, अभी अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मतलब 200 × 100 तो 20,000 के ऊपर रहेगा। फिर कितना परसेंट का है अपना 10% का है, और कितने मंथ्स है तो 3 मंथ्स है, अपन ने पहले कैलकुलेट करके रखा था, बराबर है। फिर अपना कैलसी करने का सीधा यहाँ पे देखने का 20,000 बराबर है इंटू 10% इंटू 3/12 तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 500 ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टोटल प्राइस लिखनी है, तो आपकी टोटल प्राइस कितनी हो गई 20,300 ठीक है। फिर यहाँ पे जाना है, फिर आपको लिखना है 1/7/2013 टू बैंक अकाउंट परचेज वर्किंग नोट नंबर 2, कितना अमाउंट है तो 20,000 अमाउंट है, बराबर है ना, ये देखो 20,000 अमाउंट है, फिर 20,000 अमाउंट है, इसके बाद आपका इंटरेस्ट 500 और ये 19,800 क्लियर। अब उसके बाद मैंने मुझे निकालना है वर्किंग नोट नंबर 3 करना है और मुझे निकालना है इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्लियर। अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है यहाँ पे चेक करना है, मेरे पास 10,000 20,000 तो टोटल हो गए 30,000, फिर मैं यहाँ पे 30,000 के ऊपर 10% 6 मंथ्स के लिए निकालना है, बराबर है। तो अगर मैं ये करता हूँ बराबर है तो मुझे मिलते हैं 6,000 मुझे मिलते हैं ठीक है, कितने मिल रहे हैं 30,000 के ऊपर 10% 6 मंथ्स के लिए, बेटा वेट $1,500 यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत, हाँ डिवाइड करना है सॉरी 1,500 ठीक है रुपीज़। तो फिर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 30/9/2013 दिख रहा है बाय बैंक अकाउंट, ये मुझे इंटरेस्ट मिला 6 महीने का ठीक है, वर्किंग नोट नंबर आपका 3 था और मैंने इंटरेस्ट कॉलम में जाके 1,500 लिख देने का क्लियर। अब अपना नेक्स्ट वापस अपन ने क्या किया, परचेस किया था
ठीक है, तो वो वर्किंग नोट नंबर आपका आएगा 4, वर्किंग नोट नंबर 4। फिर से एक बार आपने परचेस किया, कितना परचेस किया, 350। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है परचेस, तारीख है 1/10/2013 को, कॉस्ट प्राइस कितने में परचेस किया आपने, 350 × 98, एक्स इंटरेस्ट है, बराबर है, तो 350 × 98 तो 34,300, 34,300 पर आपने आपने क्या लिया, एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट पर आपका डेट कौन सा है, पहला वाला डेट है, तो कुछ भी नहीं। फिर आपका टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 34,300, ठीक है। फिर आप कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, ये देखो वर्किंग नोट नंबर आपका 4 था, परचेस किया आप लोग ने 35,000, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, और 34,000 कितना आ गया, 300, तो मैंने लिख दिया ये को देखो, बराबर है। अब साल आपका क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अभी जब साल ख़त्म होता है तब आपको फिर से एक बार इंटरेस्ट मिलेगा दिसंबर का, पर वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, ठीक है, दैट इज़ अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, ओके। फिर यहाँ पे टोटल मानने का, ये 30 30 प्लस 35 मतलब 65,000, ठीक है, ये देखो 65,000, वर्किंग नोट नंबर आपका 5, 65,000 के ऊपर 10% 3 मंथ्स के लिए 1625 यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, देखो फिर ये 1625 यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसकी टोटल करनी है, ये टोटल सेम यहाँ पे लिखना है, और उसमें से 500 माइनस करके ये जो अमाउंट आया इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लास्ट में कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। फिर ये फेस वैल्यू का और कॉस्ट प्राइस का टोटल करने का, उसको इधर लिखने का, और फिर ये आपका बैलेंस आ गया 31 दिसंबर का। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, 3rd खत्म हो गया, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आज नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ कैसे हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, ऑन 1st January 2002 अजय लिमिटेड हैड 1500 5% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,10,000 ऑन 1st May 2002 द कंपनी परचेज 500 डिबेंचर्स एट 108 कम इंटरेस्ट ऑन 1st July 2002 द कंपनी परचेज 200 डिबेंचर्स एट एक्स इंटरेस्ट, ओके, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। द कंपनी परचेज 500 डिबेंचर्स मुझे कम इंटरेस्ट ऑन 1st July 2002 द कंपनी परचेज 200 डिबेंचर्स एट 103 एक्स इंटरेस्ट इट फर्दर परचेज 300 डिबेंचर्स एट 102 एक्स इंटरेस्ट ऑन 1st October इंटरेस्ट इज पेड 31st एवरी ईयर ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर, मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही सेम टू सेम है, और 31st December जो है वो ईयर एंड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोड भी बताया, 101 वाला कोड भी बताया, ठीक है। तो अभी अपने को ये वाला सम करना है, ये वाला सम कैसे है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले तो कुछ भी हो, मैं यहाँ पे ये लड़की ने नहीं लिखा है तो अपने को लिखना है, ठीक है, ये किसका है वो पहले चेक करेंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक्स है ये, तो यहाँ पे किसका भी नाम नहीं लिखा है, नहीं, अजय लिमिटेड, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा अजय लिमिटेड। फिर इसके बाद अपना आना चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ, ये किसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का है, बराबर ना, तो ऐसा लिखना है आपको 5% डिबेंचर्स इन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद फॉर द पीरियड, कौन सा पीरियड के लिए है, तो फॉर द पीरियड, तो ये आपका 31st December 2002 के लिए था। फिर हम लोग लिखेंगे ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ड्यू डेट क्या है, ठीक है,
तो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है आपका, 30 सितंबर, 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंडली आपको मिलेगा 31 मार्च को, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग ने इस तरह पूरा बना के लिया डेबिट, फिर यहाँ पे लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर, फिर आपको लिखना है वर्किंग नोट, ये जो है वो फेस वैल्यू, फिर आपका ये इंटरेस्ट, ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, फिर वर्किंग नोट, फिर फेस वैल्यू, फिर आपका इंटरेस्ट और लास्ट में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, अब कुछ भी हो, कहाँ कैसा भी सम्स हो, सबसे पहले मुझे वर्किंग नोट बना के लेना ही है, ये देखो इस तरह का, ठीक है। ये बंदी ने बराबर वर्किंग नोट नहीं बनाया है, फिर भी मैं आपको अच्छी तरह से वर्किंग नोट बना के देता हूँ। देखो 1 जनवरी 2010 ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे मेरे पास 1000 कितने डिबेंचर्स हैं, 1000 डिबेंचर्स हैं, ये देखो 1000 5% डिबेंचर्स, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस मेरा है 1,10,000, बरे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया कॉस्ट प्राइस 1,10,000 है। अब यहाँ पे मुझे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जब भी ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये डेट और ये दो डेट अलग होते हैं, तब अपने को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग में निकालना ही पड़ता है। ये पॉइंट आउट मतलब ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये दो डेट जब अलग होती है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपना निकलेगा, ओपनिंग में भी निकलेगा क्लोजिंग में भी। तो कहाँ देखने का, यहाँ देखने का, बरे ना। अपना डेट कौन सा है, 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर के पहले कौन सा था, सेप्टेम्बर था, करेक्ट है। तो सेप्टेम्बर के बाद अपना दिसंबर आया, बरे कि नहीं, तो इसका मतलब अपने को 3 महीने का, क्योंकि नेक्स्ट अपने को इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलेगा, तो कैसे करने का, सेप्टेम्बर के बाद के ही मंथ्स गिनने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे देखो 3 मंथ्स का अपने को क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्लियर। अब उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग ने परचेस किया फर्स्ट मई को, डायरेक्ट फर्स्ट मई को परचेस किया, तो उसके पहले आता है 31 मार्च 2002, जब मुझे क्या मिलेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट मई को परचेस किया है, फर्स्ट मई 2002 कंपनी परचेस 500 डिबेंचर्स एट 108 कम इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट मई 2002 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, परचेस, कितना डिबेंचर्स परचेस किया, 500, 5% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस 108, कम इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ से यहाँ देखने का, ये लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, मार्च, और ये परचेस किया मई को, तो इसका मतलब एक ही मंथ बीच में अप्रैल, तो इसलिए इंटरेस्ट आएगा 1 मंथ का, क्लियर। ये देखो 1 मंथ का। इसके बाद मैंने परचेस किया फर्स्ट जुलाई को, 1 जुलाई 2000 को मैंने परचेस किया, 2002 को मैंने परचेस किया है, ठीक है। कितना, तो 200 डिबेंचर्स परचेस किए हैं मैंने एट 103, कॉस्ट कितनी है, फेस वैल्यू 100 है, कॉस्ट प्राइस 103, एक्स इंटरेस्ट में परचेस किया। अब यहाँ से यहाँ तक मंथ्स गिनने का, अप्रैल मई जून, मतलब 3 मंथ्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपना सितंबर, उसके बाद अपना सितंबर आया, जब मुझे फिर से एक बार क्या मिलेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर। ओके, 6 मंथ का इंटरेस्ट। अब आगे जाएंगे, तब अपने को इट फर्दर, अपने को 1 अक्टूबर 2002 को मैंने क्या किया है, परचेस किए हैं, बराबर। देखो 1 अक्टूबर 2002 को हम लोग ने परचेस किया, ठीक है। कितना परचेस किया है, तो 300 डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर्स, 300, फेस वैल्यू कितना है 100, कॉस्ट प्राइस 102, एक्स इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे मंथ्स नहीं गया, क्योंकि सितंबर को इंटरेस्ट मिला तो तुरंत अक्टूबर में नहीं मिलेगा, इसीलिए मंथ्स कुछ भी नहीं आए, ठीक है। अब 31 दिसंबर को ईयर एंड आ जाता है, बरे कि नहीं, तब उन्होंने मार्केट प्राइस दिया है, अभी यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लियर। अब देखो कैसा सम्स करना है, यहाँ पे ये लड़की ने वर्किंग नोट मैंने बना के दिया था, पर इसने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया है, पर अपने को वर्किंग नोट बनाना है। मैं आपको सारी वर्किंग नोट अच्छी तरह से बना के दे देता हूँ, ठीक है, एंड अपने 3 सम अच्छी तरह से हो जाएंगे आज के डेट में, और ये आपको क्या करना है, लिख के लेना है। ओके, अभी देखो कहाँ कैसी वर्किंग नोट बनेगी, वर्किंग नोट नंबर 1, ये इस तरह वर्किंग नोट बनती जाएगी। देखो
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो कैसे करना है अपने को, यहाँ पे सबसे पहले 1,12,000 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम लोग का 1 लाख था, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1,10,000 थी, तो ये इंटरेस्ट नहीं था, ये मैं कैलकुलेट करूँगा। अभी देखो मेरे पास फेस वैल्यू मेरे कितने, मेरे और ओरिजिनली कितने थे, तो 1 लाख थे मेरे पास डिबेंचर्स, तो यहाँ पे मैं 1 लाख के ऊपर, ये देखो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट है मेरा, 5% है, और कितने मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए, तो ये 1 लाख के ऊपर 5% मुझे निकालना है, बराबर है। 1 लाख के ऊपर 5% इंटू 3/12, तो 1,250 कितने आ गए, 1,250, और ये 1,250 हम लोग को यहाँ पे लिखना है मिडल में। उसके बाद 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट नंबर 2 मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, बराबर है। कितने ऊपर, 1 लाख के ऊपर अगेन 5%, पर अभी 6 मंथ्स के लिए मिलेगा, कैसे, क्योंकि मुझे लास्ट सितंबर में मिला था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अभी मार्च को मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये मिला मुझे 2,500, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट मुझे मिला इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो 2,500, ये लड़की ने अच्छी तरह से नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट हाफ ईयर इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2, हाफ ईयर का अपने को क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, जो भी मिलता है वो यहाँ पे आता है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग ने परचेस किया, तो वर्किंग नोट नंबर 3, नंबर 3 हम लोग ने क्या किया है, परचेस किया है, कौन से तारीख को परचेस किया हम लोग ने, 1 मई 2002 को परचेस किया, क्लियर। अब ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट होता है तो पहले हम लोग लिखते हैं टोटल प्राइस, क्लियर, किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, 500 इंटू 108, क्योंकि हम लोग ने 108 में ख़रीदा है, तो 500 इंटू 108, बराबर है, तो वो आ गया 54,000, बराबर है। फिर इसमें से कम इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट जो होता है वो माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे कम इंटरेस्ट क्या करना है आपको, माइनस करना है, कितने अमाउंट के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, तो 50,000 के ऊपर 5%, कितने मंथ्स के लिए, 1 मंथ्स के लिए, ये अपन ने मंथ्स पहले ही निकाल के रखे हैं, ठीक है, तो 50,000 के ऊपर अपन ने 50,000 के ऊपर 5% 1 मंथ का अपन को निकालना है, तो मैंने निकाला तो मेरा कितना आ गया, 208.333 आ रहा है, तो अपन 208 लेंगे, ठीक है। फिर इसको 54,000 में से 208 माइनस कर दो, 54,000 माइनस 208, तो मेरे आए 53,792। अब ये आपको लिखना है यहाँ पे, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 3, टू बैंक अकाउंट परचेस किया आपने 50,208 आपका इंटरेस्ट आया, और 53,792, क्लियर। अब फिर से एक बार हम लोग ने परचेस किया, तो इसीलिए वर्किंग नोट नंबर अपना 4, फिर से एक बार मैंने परचेस किया, कौन से तारीख को, तो 1 जुलाई 2002 को परचेस किया। अब मैंने एक्स इंटरेस्ट से परचेस किया, जब एक्स इंटरेस्ट से परचेस करते तो यहाँ पे पहले लिखते कॉस्ट प्राइस, कितना परचेस किया, 200 परचेस किया, और 103 को परचेस किया, तो मैं लिखूँगा 200 इंटू 103, तो कितने आ गए, 20,600, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंटरेस्ट, तो एक्स इंटरेस्ट, फिर 20,000 के ऊपर 5%, कितने मंथ्स के लिए रहेगा आपका, 6 मंथ्स के लिए, सॉरी 3 मंथ्स के लिए रहेगा, क्योंकि अपने नीचे कैलकुलेट करके रखा हुआ है सब, बराबर है, तो 20,000 के ऊपर 5% 3 मंथ्स के लिए, 3/12, तो कितना आ गया आपका, 250, बराबर है। फिर 20,600 में से 250 क्या होगा, प्लस होगा, 20,600 प्लस 250, तो 20,850,
850 ये आपकी टोटल प्राइस हो गई, बराबर है। फिर हम लोग यहाँ पे जाना है और आपको वर्किंग नोट नंबर लिखना है ना, 172002 टू बैंक अकाउंट परचेज फॉर 20,250 और यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आएगा 20,600। क्लियर? ओके, बताओ। उसके बाद आपका वर्क नेक्स्ट आपका कैसा आएगा, अभी अपने को 6 मंथ का, नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर कि नहीं। तब आपका वर्किंग नोट नंबर 5 आएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब कैसे करने का, जितना अभी तक हमने परचेस किया वो सब देखने का, यहाँ तक ये छोड़ो, ये यहाँ तक हम लोग देखा 150,000, 170,000, फिर यहाँ पे 170,000 के ऊपर 5% निकलेंगे, 170,000 के ऊपर 5% निकलेंगे 6 मंथ्स के लिए, तब वो आपका इंटरेस्ट आएगा। ये देखो 170,000 के ऊपर 5%, बराबर है, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, इंटू 6/12, तो 4250 आ गया, कितना आ गया, 4250। फिर ये जाके यहाँ पे लिखना है आपको, ये वर्किंग नोट नंबर 5 देखो, बाय बैंक अकाउंट हाफ ईयर इंटरेस्ट 4250, ठीक है, इस तरह 50। ओके, फिर आपका इसके बाद आपने वापस परचेस किया है तो वर्किंग नोट नंबर 6 आएगा, बराबर ना, परचेस किया हम लोग ने और वो तारीख आएगी 1/10/2002, कौन सा इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट। तो पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, 300, और कितने में परचेस किया, 102 में परचेस किया, तो 300 × 102, तो 300 × 102 कितना हो गया, 30,600। ये देखो 30,600। फिर इसके अंदर क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऐड करना है, तो एक्स इंटरेस्ट ऐड हो गया, कौन से अमाउंट के ऊपर, 30,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर कितना परसेंट, 5%, कितने मंथ्स के लिए, तो कोई मंथ्स नहीं है, बराबर ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस, सॉरी टोटल प्राइस आपकी कितनी आएगी, सेम 30,600। फिर आपको जाके यहाँ पे लिखना है, बराबर है, टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 6, 30,000 और ये 30,600। क्लियर? ये हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट इसकी टोटल मार रही है, बराबर है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया लास्ट का, ये आपको यहाँ पे मैंने करके दिखाया, देखो। ओके, तो यहाँ पे कैसा रहेगा आपका, इंटरेस्ट आएगा 2 लाख के ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा था आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%, 3 मंथ्स के लिए, तो ये अमाउंट आ गए 2,500। ठीक है, ये चाहिए तो वर्किंग नोट नंबर आपका 7 हो जाएगा, ये देखो, और ये 2,500 हम लोग ने लिखा। फिर ये आपके टोटल करने का, इसका बराबर ने कितना आ गया, 9,250। फिर ये 9,250 आपको लिखना है यहाँ पे, 9,250 सेम अमाउंट, ठीक है, और फिर 9,250 में से ये 3 अमाउंट माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया, 7542, बराबर है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना है आपको बैलेंसिंग फिगर। फिर ये दोनों का टोटल करने का यहाँ पे लिखना है और जो आएगा वो बैलेंस रहेगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ के लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये चारों क्वेश्चन मैंने क्या किए हैं, सॉल्व किए, इसका मैं फोटो भी आपको दे देता हूँ, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, और समझने में भी आसानी, पर खुद सॉल्व करोगे तो और समझ में आ जाएगा।